So dear students, dosage form factors की श्रेणी में जो affecting है उसमें patient related factor is the last part और ये absorption जो in the biopharmaceutics subject है उसका ये आखिरी section है। अभी तक के section में जितने भी factors हैं regarding the drugs, regarding the dosage form, regarding the method of preparation वो सब हमने देखे, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो पेशेंट की फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी के हिसाब से भी इफेक्ट करते हैं जो कि इस वीडियो में हम देखेंगे। अभी तक एक सेक्शन में हमने देखा था कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पीएच और बॉडी के पीएच का बहुत ही बड़ा रोल होता है जो कि एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है। देखिए हमारा शरीर एक प्राकृतिक रूप से बहुत सारी क्रियाओं से संचालित होता है जैसे हार्ट बीट, सांस का लेना, नब्स का चलना, इसी प्रकार से स्टमक का जो पैटर्न है दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है मतलब जो भी हम खाते हैं उसका आंतों में जाना, आंतों से एक्सक्रीशन होना, उसका पाचन क्रिया, उसका एब्जॉर्ब होना, ये सारी चीजें नेचुरल हैं मतलब इसमें कोई भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये समय एज के साथ साथ और मेडिकल कंडीशंस के साथ साथ भी काफी हद तक प्रभावित होता है। तो एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें कि सीधे सीधे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पीएच और ब्लड फ्लो ये बदलता है। जैसे कि छोटे बच्चे रहेंगे, पीडियाट्रिक्स रहेंगे या फिर बुजुर्ग लोग, इन दोनों की अवस्था में गैस्ट्रिक पीएच काफी चेंज हो जाता है और जो भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है मतलब आंतों का जो मूवमेंट है वो बहुत धीरे हो जाता है जिसकी वजह से भी एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होता है। ये वाला फैक्टर हम इसलिए पेशेंट रिलेटेड काउंट करते हैं क्योंकि अगर मेडिसिन इफेक्ट नहीं कर रही है और फार्मास्यूटिक दृष्टिकोण से सब कुछ सही है लेकिन अब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली ये भी फैक्टर्स हैं जो कि प्रॉब्लम करते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग से आप ऐसा समझे, एम्प्टिंग मतलब खाली होना, गैस्ट्रिक मतलब पेट यानी कि उदर। जो भी हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं, वो कुछ समय पे पचने के बाद जो भी उसमें जरूरी पोषक तत्व है उसके एब्जॉर्ब होने के बाद शरीर उसे आंतों में भेज देता है जहां से वो एक्सक्रीट होने के लिए रेडी हो जाती है। तो एक्सक्रीशन के पहले ये जो स्टमक से आंतों में जाने वाला समय है इसको गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम इसमें कहा जाता है जो कि एक बहुत ही क्रूशल फैक्टर है। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग में यानी कि समय में खाली होने में विलंब या फिर तेज गति दोनों ही प्रभावित हो सकते हैं अगर पेशेंट को कोई मेडिकल कंडीशन है। साथ ही साथ गैस्ट्रिक एम्प्टिंग से कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट यानी कि वो गति जिस गति से स्टमक हमारा खाली होता है और जो भी ड्रग्स हैं वो स्टमक से इंटेस्टाइन में जाते हैं। टाइम मतलब ये कि टोटल टाइम कितना लगता है इंटेस्टाइन में जाने के लिए दवाओं को, और हाफ लाइफ इन द सेंस कि हाफ अमाउंट यानी कि हाफ समय, आधा समय टोटल कितना लगता है। हाफ लाइफ की डेफिनेशन से आप सभी वाकिफ होंगे। तो ये कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग से संबंध। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग चूंकि हमने देखा कि अगर किसी पेशेंट में डिले है तो भी एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट आएगा, फास्ट है तो भी प्रॉब्लम आएगी। वृद्ध और बच्चे दोनों में ये ऑल्टर्ड होता है, और अगर कोई पेशेंट उदर संबंधी समस्याओं से विकृति से पीड़ित है तो भी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग पर इफेक्ट आता है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं उसको चेंज करने में। सबसे पहला है वॉल्यूम ऑफ इंजेस्टेड मील, मतलब ये कि अगर आपने कोई दवा के साथ बहुत हैवी भोजन किया है, बहुत हैवी खाना खाया है तो वो भी एब्जॉर्प्शन को अल्टर कर सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी दवाओं के लिए कहा जाता है कि खाना खाने के बाद उन्हें ग्रहण करें, बहुत सारी दवाओं को ये कहा जाता है कि खाना खाने के पहले उनको ग्रहण करें, क्योंकि भोजन का स्टमक में रहने की उपस्थिति ड्रग के एब्जॉर्प्शन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है। अगर कोई भोजन हमने ग्रहण किया है तो उसके एब्जॉर्ब होने का नंबर पहले आएगा फिर ड्रग्स का आएगा, ऐसे में हमारे थेरापेटिक इफेक्ट आने में डिले हो जाएगा। दूसरी बात यह कि किस तरह का भोजन किया गया है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स तीनों ही क्रमशः इफेक्ट करते हैं। फैट्स को एब्जॉर्ब होने में बहुत समय लगता है, फिर प्रोटीन्स को लगता है, कार्बोहाइड्रेट्स को कम लगता है। इसलिए भी कहा जाता है कि जब किसी तरह की मेडिसिंस को अगर आप हैवी मेडिसिंस को ले रहे हैं तो किस तरह का भोजन आपको करना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो उसे खट्टा खाने के लिए मना किया जाता है क्योंकि वो उसमें सिनर्जिस्टिक इफेक्ट लगा देता है। इसी प्रकार से बहुत सारी दवाओं को कहा जाता है कि इसे दूध के साथ लें। बहुत सारी दवाओं के साथ ये कहा जाता है कि जब आप खाएं तो खाना लाइट खाएं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स की मौजूदगी दवाओं के अब्जॉर्प्शन में इफेक्ट करती है, और जिसमें सबसे घातक फैट्स ही होते हैं जो कि स्वाभाविक है।
इसके बाद फिजिकल स्टेट ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, मतलब ये कि गैस्ट्रिक कंटेंट का फिजिकल स्टेचर मींस सस्पेंशन है, सॉल्यूशन फॉर्म में है, ये भी डिपेंड करता है मेडिसिन के डोजेज फॉर्म से। बॉडी पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दवाओं के बाद अगर आप ग्रहण किया है अपने मेडिसिन को तो अपने शरीर के बाएं तरफ अगर आप लेटते हैं तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट कम हो जाता है, जबकि राइट साइड अगर आप लेटेंगे तो काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ से ऑटोमेटिकली जो भोजन है वो हमारे लीवर की ओर आराम से खुद ही चला जाएगा, शरीर को कोई अतिरिक्त भार नहीं लगाना पड़ेगा और इससे काफ़ी मदद भी मिलती है। बहुत सारी योगा प्रैक्टिस में भी ये कहा जाता है कि भोजन करने के बाद 15 मिनट तक शरीर के दाएं तरफ लेटना चाहिए। इसके बाद कुछ मेडिसिंस हैं जो कि ऑटोमेटिकली गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को इफेक्ट करती हैं, जैसे एंटीकोलिनर्जिक है, नारकोटिक है, एथेनॉल है। इमोशनल स्टेट और डिजीज स्टेट भी काफ़ी इफेक्ट कर, इमोशनल स्टेट इन द सेंस कि एंजाइटी है, मतलब घबराहट हो रही है, किसी को डिप्रेशन है, इन सारी चीज़ों का इफेक्ट शरीर में सीधे सीधे पल्स, टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर पर पड़ता है। और अगर ये तीनों का होम्योस्टेटिस बिगड़ता है तो डेफिनेटली हमारे भोजन की पाचन क्रिया के ऊपर सीधा सीधा असर पड़ता है। ये बड़ी एक स्वाभाविक सी बात है, आपने देखा होगा कि दुख और काफ़ी परेशानी की अवस्था में एक नॉर्मली कहावत है कि हमें भूख हमारी मर जाती है, हमें कब खाना हजम नहीं होता, हमें भूख नहीं लगती, क्योंकि ये सीधा सीधा हमारे मेंटल स्टेटस के ऊपर डिप्रेशन और एंजाइटी का इफेक्ट पड़ता है। डिजीज स्टेट में खास तौर पे जो स्टमक से रिलेटेड है, जैसे गैस्ट्रिक अल्सर है, थायराइड की बीमारी है, या फिर पेट में कोई छाला है, पेनक्रियाटिस है, लीवर सिरोसिस है, पीलिया है, हेपेटाइटिस है, ये कुछ अवस्थाएं हैं जो बहुत इफेक्ट करती हैं ड्रग के एब्जॉर्ब होने में। तो क्रूशल फैक्टर्स जो कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को इफेक्ट करेंगे और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग सीधे सीधे एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज दी इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम, मतलब कि आंतों में दवा के आवागमन का समय। ये आप सभी जानते हो दोस्तों कि इंटेस्टाइन हमारे शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन है, जिसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, और वहां पर मौजूद छोटे छोटे करोड़ों माइक्रोविलाई इंटेस्टाइन को दवाओं के एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, जगह, प्लेस बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं फॉर्मुलेटर्स ये चाहते हैं कि स्टमक के में मौजूद अम्ल के एसिडिक इन्वायरमेंट से बचाकर अगर आंतों के माध्यम से एब्जॉर्प्शन को किया जाए तो थेरापेटिक इफेक्ट काफ़ी अच्छा मिल सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आंतों में ज़रूर मेडिसिन पहुँचें। तो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में आंतों का मूवमेंट एक होता है जो कि तरंग रूपी चलती हैं, जिसे पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट कहते हैं। जैसा कि उल्टी आने पर जब ये अवस्था होती है तो रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होता है, मतलब आंतें उल्टी चाल चलती हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना बाहर आ जाता है मुख के द्वार से। तो इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और पेशेंट की एज के साथ, मेडिकल कंडीशन के साथ ये बदलता रहता है। अगर किसी पेशेंट में इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अगर सही नहीं है तो इंटेस्टाइन के माध्यम से दवाओं को एब्जॉर्ब कराना काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी दवाओं की ऐसी श्रेणी है जिनमें कि फॉर्मुलेटर हमेशा चाहते हैं कि इनका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन के माध्यम से हो। जैसे वो वाली ड्रग्स जो कि धीरे डिजॉल्व होती हैं और धीरे धीरे रिलीज होती हैं डोजेज फॉर्म से, ऐसी ड्रग्स जो कि सिर्फ इंटेस्टाइन में ही घुलेंगी, मतलब उनका पीएच वैसा बनाया गया है कि वो आंतों में ही डिजॉल्व हो, और ऐसी ड्रग्स जो कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट इंटेस्टाइन में है वहीं से एब्जॉर्ब हो, जैसे एग्जांपल बीटा विटामिन हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, या फिर वैक्सीन हैं, पॉलीसेराज हैं, ऐसे बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनके लिए इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो पेशेंट में अगर ये इंटेस्टाइनल स्वस्थ नहीं है तो एब्जॉर्प्शन में सीधे सीधे भी प्रभाव आता है। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इंटेस्टाइनल का वो रीजन और उसमें ट्रांजिट टाइम, मतलब ये दवाओं के स्टमक से उसमें आवागमन करने का समय कितना होगा औसतन। ड्यूडेनम में 5 मिनट, जेजनम में 2 घंटे, इलियम में 3 से 6, कैकेमा कोलन में 6 से 12 तक घंटे लग जाते हैं। इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम एज के साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स से इफेक्टेड होता है, जिसमें खान पान, कोई भी मर्ज और दवाओं की मौजूदगी। दवाओं की मौजूदगी की अगर हम बात करें तो मेटक जैसे एग्जांपल है मेटाक्लोप्रोमाइड, वो कि
इंटेस्टाइनल ट्रांजिट को प्रमोट करती है, तो उल्टा मेटाक्लोप्रोमाइड अगर खाया गया है तो दूसरी दवाओं के सेवन को काफी एब्जॉर्प्शन तेज कर देगी, इसलिए भी डॉक्टर बहुत सारी दवाओं के साथ मेटाक्लोप्रोमाइड को भी प्रिस्क्राइब करते हैं। वहीं पर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो रिटार्ड करेंगी, मतलब वो इंटेस्टाइनल ट्रांजिट को काफी रोकने पर प्रमोट कर इफेक्ट करेंगी। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि शरीर में हमारे मुख से लेकर के इंटेस्टाइन तक विभिन्न प्रकार के पीएच मौजूद होते हैं जिनका दवाओं को सामना करना पड़ता है। दवाएं भी खुद एक रसायन है, इन सारे पीएच से वो इफेक्ट हो सकती है, मतलब माउथ में 6.8 है, स्टमक में 1-3 है, इंटेस्टाइन में 5-7.5 है, लार्ज इंटेस्टाइन में 7.9-9.8 है, रेक्टम में 7.5-8 है। तो ये सारे पीएच जो हैं ये विभिन्न प्रकार का पीएच सामना करते करते ड्रग आयनाइज की खतरा होने का खतरा बन सकता है। तो पेशेंट की तरफ से मतलब हमारे शरीर में ये विभिन्न प्रकार के पीएच का मौजूद होना भी एक चुनौती है ड्रग के परफॉर्मेंस। बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस भी ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर सकती हैं, जैसे गैस्ट्रिक डिसीज है, अगर कार्डियोवास्कुलर डिसीज है तो भी वो सीधे सीधे इफेक्ट करती हैं। इसलिए भी दोस्तों पेशेंट जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं कि अगर आप किसी प्रकार की प्रॉब्लम है या फिर कोई परेशानी है। यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ी बात एक इम्पॉर्टेंट बात जोड़ना चाहूँगा कि अभी कोविड 19 के ट्रीटमेंट में फेवी फ्लू नामक दवा बहुत प्रिस्क्राइब की जा रही है, जिसमें फेवी पिराविर मॉलिक्यूल है, उसमें शेड्यूल एच की वार्निंग दी हुई है कि पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन से ही लें क्योंकि उसमें 20% लीवर डैमेज हो जाता है, क्योंकि इतना हैवी मॉलिक्यूल है कि लीवर उसको पचाते पचाते ध्वस्त हो जाता है। तो ऐसे भी बहुत केसेस आए जिनको पहले कभी अगर कोई लीवर से संबंधित समस्या थी, लीवर सिरोसिस हुआ था, जॉन्डिस हुआ था, तो उनको अगर फेवी फ्लू दी जा रही है तो वो लीवर के खराब होने की वजह से भी उनकी मौत हो रही है। तो यहाँ पर गैस्ट्रिक डिजीज अगर है तो वो भी दवाओं के ऊपर बहुत इफेक्ट करता है। शरीर में खासतौर पर जीआईटी में रक्त का प्रवाह भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन ही वो एक फैक्टर है जिसकी वजह से सारे ऑर्गन्स ठीक तरीके से काम करते हैं। आमतौर पर हाइपरटेंशन से ग्रसित मरीज के शरीर में कई तरह से प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि ब्लड फ्लो फ्लक्चुएट होता रहता है। खाद्य सामग्री यानी कि भोजन की मौजूदगी भी डेफिनेटली इफेक्ट करती है। भोजन भी विभिन्न प्रकार के हम मनुष्य ग्रहण करते हैं, उनका भी अलग अलग पीएच होता है और उनकी मौजूदगी विभिन्न प्रकार के अलग अलग ड्रग्स को भी इफेक्ट कर सकती है, जिसे फूड एंड ड्रग इंटरेक्शन के नाम से टाइटल दिया गया है। प्रेजेंस ऑफ द फूड, अभी मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि अगर किसी पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन है तो उसे खट्टा खाने के लिए मना किया जाता है। सीधी सीधी बात है क्योंकि फंगल इन्फेक्शन पीएच से बहुत और ह्यूमिडिटी से बहुत इफेक्ट होता है, और जितनी भी खट्टी चीजें हैं उनमें बहुत हाईली एसिडिक पीएच होता है जो कि सीधे सीधे फंगल इन्फेक्शन को बढ़ावा देता है। ठीक इसी तरह से ऐसे खाद्य पदार्थ जो कि पीएच को, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को, स्टिमुलेशन ऑफ बाइल फ्लो को चेंज करते हैं, ये सभी कुछ इफेक्ट करेंगे डायरेक्टली सीधे सीधे एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स। इसके बाद जो रीजंस आते हैं उसमें एंजाइम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से बहुत सारे एंजाइम का सिक्रीशन होता है जो कि पाचन क्रिया में बहुत बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाते हैं। तो डिजीज कंडीशन की वजह से, एज की वजह से और बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से ये एंजाइम का सिक्रीशन यानी कि रिसाव भी ऊपर नीचे हो सकता है, जिससे कि दवाओं के एब्जॉर्प्शन के ऊपर इफेक्ट होता है, जिसमें खास तौर पे है ल्यूमिनल एंजाइम्स, उसके बाद है गट वॉल एंजाइम्स एंड देन बैक्टीरियल एंजाइम्स जो कि मेनली लोकलाइज्ड होते हैं कोलोन रीजन में जीआईटी के, एंड जो कि बहुत सारे ड्रग्स का पाचन में बहुत अहम रोल निभाते हैं, जैसे कि सल्फासैलाजीन है, एमिनोसैलिसिलिक है, एंटीबायोटिक्स हैं जैसे सेफ्टोडॉक्सिम है, एजिथ्रोमाइसिन है, इन सब को बहुत के ऊपर इफेक्ट पड़ता है अगर एंजाइम का सिक्रीशन प्रॉपर नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने वो जाने वो सारे पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, एज जिसमें कुछ मुख्य थे, एज, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम, प्रेजेंस ऑफ द पीएच, फूड, बॉडी पोस्चर एंड अल्टीमेटली एंजाइम, इन सब के इफेक्ट की वजह से ड्रग के एब्जॉर्प्शन में इफेक्ट होता है। आई होप यू हैव फाइंड दिस वीडियो फ्रूटफुल। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेसिंग बेल आइकन। थैंक यू।